हाय डियर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राज मेकअप। सो आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी कंसीलर एंड द डेमो। सो दिस इज इन द शेड नंबर 02 सैंड सेबल। फर्स्ट लुक एट द पैकेजिंग बहुत बड़ी है एंड पीछे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी एंड द इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड ऑल द यू नो एवरीथिंग आपको पीछे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इसकी MRP बताई गई है 200 रुपीज़ और ये इजली अवेलेबल है नायका पर्पल एंड कफ्स एंड लैशेज पे भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो परचेज दिस फ्रॉम फ्लिपकार्ट ऑल्सो। एक तरह का हाई कवरेज कंसीलर है। अगर आपके फेस पे कोई भी तरह की यू नो ब्लेमिशेस हैं, स्कार्स हैं, एक्नेज है, मार्क्स हैं या रेडनेस है, येलो स्किन है आपकी या अनइवन स्किन टोन है, ब्लैकनेस है माउथ के अराउंड, तो आपको ये बहुत अच्छा एज अ करेक्टर भी वर्क करेगा बिकॉज इट वर्क्स एज योर हाई कवरेज कंसीलर। ये बहुत अच्छा वर्क करता है हाईएस्ट कवरेज इसकी है, बहुत अच्छी इसकी कवरेज है एंड इट गिव्स यू अ वेरी नाइस ब्लेंडेबिलिटी, फ्लॉलेस फिनिश आपको मिलती है। इट्स वेरी लाइट वेट, ये सेल्फ सेट कंसीलर है। अगर आप इसके ऊपर पाउडर भी नहीं करते हैं, कॉम्पैक्ट भी नहीं लगाते, तब भी आपकी स्किन पर सेट हो जाएगा। इसको आप इसे स्पॉन्ज या अपने हाथ से या ब्रश के साथ आप इसे ईजिली ब्लेंड आउट कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप इसे ब्रश के साथ जरूर ब्लेंड आउट करें बिकॉज ब्रश के साथ इसकी बहुत अच्छी फिनिश आती है, हाथ के साथ भी बहुत अच्छी फिनिश आती है एंड फाउंडेशन ब्लेंडर के साथ भी इसकी बहुत अच्छी फिनिश आती है। और इसमें ढेर सारे शेड्स अवेलेबल हैं, मीडियम स्किन टोन तक इसमें शेड्स अवेलेबल है। कोई भी प्रॉब्लम है आपके फेस में उसको हाइड करने के लिए द बेस्ट है, ठीक है। एंड दिस इज द इनर बॉटल। सो इसका एक ही कॉर्न है। अगर आप इसे ना अपनी कट क्रीज के लिए यूज़ करना चाहते हो या आप इसे कोई भी कट देना चाहते हो तो उसके लिए ये अच्छा नहीं है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी कंसीलर है। ये उतना हाई कवरेज आपको नहीं देगा अगर आप कट क्रीज करना चाहते हो या फुल कट क्रीज करना चाहते हो, उसके लिए परफेक्ट नहीं है। आप इसे आई बेस या कंसीलर की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो, नॉट फॉर योर कट क्रीज पर्पस, नॉट फॉर योर फुल कट क्रीज पर्पस और कुछ भी हेयर ऑयल्स के लिए भी अच्छा नहीं है। इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा लिक्विडी है, दिस इज़ नॉट दैट मच हैवी। जो हैवी लाइक मेबलिन एज रिवाइंड कंसीलर भी आप नहीं यूज़ कर सकते, लाइक वो बड़ा सा बॉटल वाला जिसका वॉन्ड ना बहुत ज़्यादा बिग है, वो वाला आप एक थिक कंसीलर आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, एक हाई कवरेज कंसीलर आप यूज़ करो, बट दिस इज़ नॉट दैट मच। कट क्रीज के लिए हमेशा वो ही प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं जो थोड़े से थिक इन टेक्सचर होते हैं। उसके साथ क्या होता है कि आपका जो आई मेकअप बेस है वो बहुत अच्छा लगता है, बट इसके साथ मुझे ऐसा इतना मज़ा नहीं आया फॉर माई कट क्रीज पर्पस। सो या इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 2023 है, तब तक तो ये फिनिश हो जाएगा। मैं इसे बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ। दिस इज़ द वेरी नाइस कंसीलर, आपको ये जरूर परचेज करना चाहिए, रिकमेंडेड फॉर ब्राइडल्स। आप इसे ब्राइडल मेकअप भी कर सकते हो बिकॉज ये बहुत अच्छा कंसीलर है एंड बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, रिकमेंडेड। उनको ज़्यादा फाउंडेशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ आई मेकअप सीखना चाहते हो, गो फॉर दिस। बट या ये बहुत अच्छा है, अंडर ₹200 डिस्काउंट पे आपको 150 या 160 या 180 पे भी आपको मिल जाएगा, खास करके नायका पे एंड पर्पल पे। सो मेक श्योर कि वहाँ से ज़रूर चेकआउट करिएगा बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट कंसीलर और इसका वॉन्ड बहुत अच्छा है। एप्लीकेटर इज़ वेरी सॉफ्ट, लुक एट दिस। और ये परफेक्ट कंसीलर है मेरे लिए फॉर माई स्किन। सैंड सेबल इज़ अ वेरी नाइस शेड फॉर माई स्किन, फेयर स्किन के लिए ये शेड बहुत अच्छा है। अगर आप मुझसे एक टोन डार्क करो तो भी आप पे चला जाएगा बिकॉज इट्स अ हाईलाइटिंग कंसीलर। अगर आपके पास कोई डार्क फाउंडेशन है तो उसको भी आप इसमें मिक्स करके लगा सकते हो एंड यू कैन मेक योर ओन कस्टम शेड। अगर आप इसे BB and CC क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हो, आप इसे अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करें थोड़ा सा और फिर इसे ऐसे रब मिक्स करिए, रब करिए अपने हैंड्स पे ताकि ये वार्म अप हो जाए, फिर थोड़ा थोड़ा करके लगा लीजिए, आपको एक नाइस BB क्रीम जैसा इफेक्ट मिल जाएगा विद दिस कंसीलर बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी इज वेरी नाइस, कवरेज इज वेरी अमेजिंग गाइस, लाइक स्विस ब्यूटी इज ऑन फायर। सो आप मोस्टली स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट्स ट्राई आउट कर सकते हो, दिस इज द वेरी नाइस कंसीलर और आप इसे किसी भी हाई एंड ब्रांड के साथ कंपेयर कर सकते हो बिकॉज दिस वर्क सो गुड। और मैं हमेशा रेकमेंड करूँगी इस कंसीलर को आप हमेशा एक अच्छे लूज पाउडर के साथ सबसे पहले सेट आउट कर लीजिए, फिर आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हो फॉर दैट वेरी नेचुरल हाई फिनिश क्वालिटी वाला बेस। या आज मैंने इसे ही यूज़ किया अपनी अंडर आइज पे, जस्ट लुक एट माई अंडर आइज, आई हैव द इशू ऑफ डार्क सर्कल्स और मैंने इसे यहाँ पे भी यूज़ किया है,
दिस इज अमेजिंग कंसीलर, दिस इज अमेजिंग कंसीलर गाइज, दिस इज अमेजिंग. मेक श्योर टू बाय दिस एंड हैव दिस कंसीलर इन योर वैनिटी. आप इसे गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो. अगर आप इसे के लिए ब्राइडल मेकअप किट बना रहे हो, गो फॉर दिस, ये बहुत अच्छा है. एंड यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट, आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन गो फॉर दिस कंसीलर ओनली. कभी कभार यूज़ करना है, फाउंडेशन नहीं चाहते, फाउंडेशन नहीं चाहते, गो फॉर दिस. आप HR का कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ बहुत ज़्यादा हाई कवरेज. लाइक इससे भी थोड़ा सा हाई कवरेज है, वो फुल कवरेज देता है आपको. ये भी आपको फुल कवरेज देगा, बट दैट इज़ डिफरेंट थिंग है. और ये डिफरेंट थिंग है, वो आपको कॉस्ट करेगा अबाउट 130 rupees. उसका भी रिव्यू मैं अपने चैनल पे कर चुकी हूँ, जस्ट गो एंड चेक इट आउट. वो भी बहुत अच्छा कंसीलर है. अगर आप चाहते हो वो परचेज करना, गो फॉर दैट ऑल्सो. और आप ये परचेज करना चाहते हो, गो फॉर दिस ऑल्सो, ये बहुत अच्छा है. हाय राम. और ये ऑल स्किन टाइप पर सूट करेगा, रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड. मेक श्योर कि हमेशा आप अपने फेस को अच्छे से प्रैप आउट कर लीजिए. प्रैप आउट मीन्स मॉइस्चराइजर. अ गुड मॉइस्चराइजर गिव्स यू अ वेरी नाइस फुल कवरेज एंड सुपर लॉन्ग लास्टिंग बेस. ओके, सो दिस इज द रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट. एंड मेक श्योर टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड शेयर मेरा मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा. एंड इफ यू वॉन्ट टू अचीव दिस लुक, सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. एंड प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर. एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. प्लीज चेक आउट माई मोर एंड मोर मेकअप लुक्स एंड बाय.